السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تقسيم الآحاد إلى المقبول والمردود. अभी इससे पहले हमने आहाद हदीस की किस्में पढ़ी जो कि मशहूर अजीज गरीब है. अब कहते हैं यही मशहूर अजीज गरीब यही आहाद दो इनके दो किस्म और हैं. अभी हमने आहाद की पढ़ी थी तकसीम कि मशहूर अजीज गरीब है. अब मशहूर अजीज गरीब इन तीनों की दो किस्में हैं. एक है मकबूल एक है मरदूद यानी कि कबूल कर की जाएगी हदीस हदीस सही होगी या रद्द की जाएगी हदीस ज़ईफ होगी. तो तकसीमुल अहादीस इला मकबूल व मरदूद तकसीमुल अहादी कि अहाद की तकसीम मकबूल और मरदूद के एतबार से कहे तनकसमुल अहाद मिन मशहूर व अजीज व गरीब इला मकबूल व मरदूद कि अहाद की तकसीम की जाती है आहाद को मुनकसिम किया जाता है और आहाद को अपनी तीनों किस्मों के साथ जो कि मशहूर है अजीज है गरीब है इन तीनों किस्मों के साथ दो किस्म की तरफ तकसीम किया जाता है. पहला किस्म है मरदूद दूसरा किस्म है मकबूल यानी कि हदीसों को कबूल करना एक्सेप्ट करना और हदीसों को मरदूद रद्द करना यानी रिफ्यूज करना. कहते हैं अल खबर मकबूल व हुक्म खबर मकबूल किसे कहते हैं और खबर मकबूल का हुक्म क्या है. कहते अल खबर मकबूल वो मा युहतज्जु बिह खबर मकबूल वो खबर है वो हदीस है जिससे हुज्जत पकड़ा जाए जिस पर लोग अमल करें जिस पर क्या करें लोग अमल करें उसके मुताबिक जिन चीजों को उस हदीस के अंदर कहा गया करने को उसको अपनाए हुआ मा युहतज्जु बिह खबर मकबूल किसे कहते हैं वो हदीस है जिसको लोग हुज्जत पकड़ते हैं जिस पर अमल करते हैं. क्यों क्योंकि उसके रुवात उसके सनद उसके मतन के अंदर कोई चीज नहीं पाई जाती जिसकी वजह से उस हदीस को रद्द किया जाए या ज़ईफ कहा जाए. कहता है इख्तलफ फी हुक्मिही फल्लज़ी अलैही जुमहूर उलमा मिन अस्सहाबा व तबईन फमन बादु मिन अल मुहद्दिसीन व अल फुक्हा अन्न खबर अल वाहिद अस्सिका हुज्जा मिन हुजज़ अल शरई यजिब अल अमल बिह. कहते हैं इख्तलफ अल उलमा फी हुक्मिही कि इसके हुक्म के बारे में उलमा के कई अक़वाल है उलमा की राय मुख्तलिफ है. फल्लज़ी अलैहिल जुमहूर और जुमहूर उलमाई मिन अस्सहाबा व तबईन सहाबा और ताबईन में से जो अक्सरियत उलमा है जिन पर अक्सरियत का अमल है जिन पर अक्सर लोग हैं वो क्या है उनका कौल क्या है उन लोग क्या कहते हैं खबर मकबूल के बारे में अन्ना खबर वाहिद अस्सिका हुज्जा कि अगर किसी भी एक बंदे की खबर है वो किस कोई हदीस बयान कर रहा है और वो क्या है अस्सिका और वो वाहिद बंदा क्या है सिका है तो उसकी खबर क्या है हुज्जतुन उसकी खबर क्या है हुज्जत पकड़ी जाएगी उसकी खबर क्या है तुकबल रिवायतुहु उसकी रिवायत क्या होगी कबूल की जाएगी मिन हुज्जति शरई और वो शरीयत की दलीलों में से हुज्जत में से एक है. यजिबुल अमल बिही हमें क्या करना है उस हदीस के मुक्तजयात के मुताबिक उस हदीस के डिमांड के मुताबिक हमें क्या करना है उस पर अमल करना है. उसके बाद कहते हैं खबर वाहिद अल मुहतबिल कराइब व अनवाहु खबर वाहिद जैसा कि हमने खबर वाहिद के हुक्म के ताल्लुक से पढ़ा था कि खबर वाहिद किसका फायदा देता है इल्मे नजरी का फायदा देता है. आहाद किस चीज के फायदे देते हैं इल्मे नजरी का फायदा देता है इल्मे यकीनी और इल्मे जरूरी का फायदा नहीं देता जिस तरीके से मुतवातिर अहादीस देते हैं. मुतवातिर अहादीस अगर किसी हदीस के बारे में उसकी तवातुर के सबूत मिल गया या उसके बारे में उलमा का कौल है कि यह हदीस मुतवातिर है तो मैं क्या करना है इल्मे यकीनी जरूरी का फायदा देता है उस हदीस के बारे में मैं गौर व खोज करना ही नहीं है. उस हदीस के सनद के ताल्लुक से उस हदीस के मतन के ताल्लुक से उस हदीस के रुवात के ताल्लुक से हमें बहस व मुबाहसा नहीं करना है बल्कि हम आंख बंद करके उस हदीस को सही मानेंगे क्योंकि हर वह हदीस जिसके ताल्लुक से ये साबित हो गया वो मुतवातिर है तो वह हदीस
100% क्या है, सही है, उसके ज़ईफ होने में, उसके सही होने में कोई शक नहीं है, वो हदीस ज़ईफ हो ही नहीं सकती। लेकिन खबर वाहिद जो कि इल्म जरूरी और इल्म यकीनी का फायदा नहीं देता, बल्कि किसका फायदा देता है, इल्म नजरी का फायदा देता है, आपको उस हदीस की सनद के ताल्लुक से, आपको उस हदीस के रुवात के ताल्लुक से, आपको उस हदीस के मतन के ताल्लुक से क्या करना है, एक एक का दरासा करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये हदीस सही है कि नहीं सही है, रावी कैसा है, सका है कि नहीं सका है, रावी के अंदर कोई चीज बिदात या कोई और दूसरी चीज पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, यानी आपको तमाम चीजों का दरासा करना है, इस्तदलाल करना है, नजर उसके अंदर दौड़ाना है। तो कहते हैं ऐसी खबर जब ये मुहतब बिल कराइन हो, जब ये खबर इसके साथ और दीगर दूसरी चीजें दूसरे आशिया इकट्ठा हो जाए, तब इसका क्या हुक्म होगा, क्या हम तब, क्या तब भी वो उस वक्त इल्म नजरी ही का फायदा देगा, क्या इल्म यकीनी का फायदा देगा कि नहीं देगा। तो कहते हैं खबर वाहिद जो मुहतबिल कराइन हो, जो कि दूसरी चीजें उसके साथ आकर के मिल गई हो, तो क्या उस वक्त हम उस खबर के बारे में खबर वाहिद क्या कहेंगे। कहते वला शक अन्न खबर वाहिद المحتب بالقرائن يكون ارجح مما خلا عنها। कहते हैं कि खबर वाहिद जो मुहतब بالقرائن हो, जो कि दूसरे قرائن से दूसरी चीजों से घिरी हुई हो, يكون ارجح वो क्या होती है, ज्यादा राजह होती है, بالمقابل उन احادیث के जिनके अंदर ये محتوى خبر واحد जो محتب بالقرائن नहीं होती है। कहते हैं वह हुआ अनवा उन मिनहा मायली, उसकी कुछ कुछ किस्में हैं, उनमें से कुछ किस्मों को मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। कहते हैं अगर कोई हदीस मुहतबिल कराइन है, लेकिन अगर उसकी सबसे पहली किस्म है मा अखरजहु शेखान अल-बुखारी व मुस्लिम फी सहीहिमा, कि उन खबर वाहिद जो मुहतबिल कराइन है उनकी सबसे पहली किस्म है वो खबर वाहिद जिनकी तखरीज या जिन अहादीसों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सहीहैन के अंदर उन हदीसों को जिक्र किया है, मिम्मा लम यबलुग हद तवातुर, हद तवातुर जो कि मुतवातिर के हद तक नहीं पहुंचती है, फइन्नहु अहाता बिही कराइन, तो क्या होती है, कहती है उसको कुछ करीने घेरे हुए होते हैं। वो कराइन कौन से हैं, वो कराइन ये है जलालतुल शेखैन फी हाज़ा शानी, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की जो शान है कि वो अपनी किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सही हदीसों को जिक्र करेंगे, तो कहते हैं इस वजह से इस हदीस का दर्जा, इस हदीस का मर्तबा कुछ और ही होगा। अगरचे ये खबर वाहिद है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का इन हदीस, इस हदीस को अपनी सहीहैन के अंदर जिक्र करने की वजह से इस हदीस का मकाम कुछ और हो गया, क्योंकि इन दोनों अइमा ने शर्त लगाई कि अपनी किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सही हदीस को जिक्र करेंगे। कहते हुए तकद्दम हो और क्यों, और इन दोनों शेख की जो जलालत है, हैयत है, जो इनकी अजमत है, इस वजह से इस हदीस, ये हदीस क्या है, कुछ कराइन को लिए हुई है। और इसी तरीके से तकद्दम हुमा अला गैरिहिमा फी तमीज सहीह मिन सकीम, और इन दोनों का अपने और इन दोनों का उन अइमा के मुकाबले में, इन दोनों अइमा को तकद्दम हुमा अला गैरिहिमा, और इन दोनों का आगे बढ़ा हुआ होना, कि ये दोनों अइमा बिल मुकाबल उन इमाम के जो हदीसों को अपनी किताब के अंदर, जो इन्होंने हदीसों पर काम किया, हदीसों को किताब, हदीसों को किताबों के अंदर जमा किया, मुअल्लफात और मुसन्नफात की शक्ल दी, उनके मुकाबले में इनकी जो आगे बढ़ जाना है हदीस की तमीज में कि हदीस सही है या हदीस ज़ईफ है, इस वजह से क्या है, इस हदीस को कुछ खास स्पेशल चीज हासिल है, जिसकी वजह से उस वो हदीस मुतबिल कराइन है। और तीसरी चीज मुतलक्कल उलमा किताबी मबिल कबूली, और उलमा ने
امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی کتابوں کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، یعنی اس کے اندر کسی کوئی شک نہیں ہے. یعنی وہ حدیث اگر ہم سنتے ہیں کہ حدیث بخاری کے اندر یا مسلم کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، من وعن، بغیر تحقیق کی وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. اور امت نے کیا کیا ہے، ان دونوں کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اس کے حدیثوں کو صحیح مانا ہے. کہتے ہیں بہذا مختص بما لم ينتقد احد من الحفاظ، اور یہ چیزیں ان کے ساتھ خاص ہے جس پر کسی علماء نے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، نقد نہیں کیا ہے. وبما لم يقطع التعارض بين مدلولیہ حيث لا ترجیح وما سوى ذلك فالاجماع حاسم على تسلیم صحته. وبما لم يقع التعارض بين مدلولیہ حيث لا ترجیح، اور جیسا کہ وبما لم يقع التعارض بين مدلولیہ حيث لا ترجیح وما سوى ذلك، اور جیسا کہ ان دونوں ائمہ کے استدلال کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، حیث لا ترجیح وما سوى ذلك، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، فالاجماع حاصل على تسلیم صحته، تو کیا ہے، تمام علماء کا یا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی حدیث کی صحت پر، کہ اس حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کو ہم کیا کریں گے، قبول کریں گے. اس کے بعد جو محتب القرائن کی دوسری قسم ہے وہ ہے الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین متقنین حیث لا یکون غریبا، کہ الخبر المسلسل وہ خبر مسلسل، وہ حدیث جس کے اندر لگاتار پے در پے اس کی سند کے اندر کون ہو، ائمہ ہو، اور وہ ائمہ کیسے ہوں، متقنین ہو، ضابطین ہو، من الحفاظ ہوں، کہ وہ ائمہ ضابطین میں سے ہوں، یعنی حدیثیں یاد کر لی جن کے حفظ کا، جن کے امامت کا ڈنکا بجا ہو دنیا کے اندر، وہ ائمہ پے در پے اس حدیث کو رواج کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس حدیث کو کچھ خاص مقام حاصل ہے. حیث لا یکون غریبا، مگر یہ کہ وہ حدیث غریب نہ ہو، کا حدیث یرویہ الامام احمد غیر منفرد بھی عن الامام الشافعی، جیسے کہ وہ حدیث جس کو روایت کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، اور اس کو روایت کرنے میں منفرد نہیں ہے. کس سے روایت کرتے ہیں، امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، اور امام شافعی روایت کرتے ہیں کس سے، امام مالک سے، مالک روایت کرتے کس سے، نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں کس سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو گویا کہ یہ حدیث، جس بھی حدیث کا یہ سلسلہ ہے، جس بھی حدیث کی یہ سند ہے، وہ کیا ہے، جس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل امام متقن حافظ ضابط من کبار علماء الحدیث. اس کے بعد وہ کس سے روایت کرتے ہیں، امام شافعی سے، امام حافظ ضابط من کبار علماء الحفظ والضبط، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے، امام مالک رحمہ اللہ سے، یہ بھی بہت بڑے عالم حافظ ضابط ہیں. اور روایت کرتے ہیں کس سے، نافع سے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ بھی حافظ ثابت تھے. تو گویا کہ یہ پوری کی پوری جس بھی حدیث کا یہ سلسلہ ہوگا، جس بھی حدیث کا یہ سند ہوگا، جس کے اندر امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام، امام مالک شافعی بہت بڑے امام، امام مالک بہت بڑے امام، امام نافع بھی ایک امام ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ اس حدیث کی سند کے اندر متقن حافظ ثابت امام اکٹھا ہو گئے ہیں، تو گویا کہ اب اس سند کو کچھ خاص، کچھ اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل ہے. گویا کہ وہ حدیث جو اس سند سے آئے گی، وہ کیا ہوگی، محتب القرائن ہوگی، اور اس کو ہم قبول کریں گے. تو وہ حدیث ہے تو یہاں پر کتب حدیث کے اندر صرف اور صرف چار حدیثیں ہیں. کتنی ہیں، چار حدیثیں ہیں جو اس سند سے مروی ہیں، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، امام مالک، امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں نافع، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. تو اس طریق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہے، چار ہے. ان کی کل تعداد کتنی ہے، چار ہے. اس کو سلسلۃ الذہبیہ کہا جاتا ہے، سلسلہ الذہبیہ کا، سلسلہ الذہبیہ، ایسا کڑی جو کہ سونے کا ہے، سونے کا تو ہے ہی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل ماشاء اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام مالک، سارے حفاظ اور ضباط ہیں. اس کے بعد تیسرا قسم جو ہے وہ ہے
الخبر المشهور الذي له طرق مختلفه कि वो खबर मशहूर, खबर मशहूर या हदीस मशहूर की तारीफ हम लोग पढ़ चुके हैं। الخبر المشهور वो खबर मशहूर له طرق مختلفه जिसके क्या है مختلف طرق हो سلم كلها من ضعف الرواد والعلل जिसके हर तरीक हर सनद के अंदर जितने भी रावी हो तमाम के तमाम रावी क्या है सारे सही सालिम हो किसे ज़ईफ से या उस हदीस की जितनी भी तुरक है वो तरीक या वो सनद रावी के ज़ईफ रावियों से और एलर से क्या हो महफूज हो पाक हो कहते वहादिल अनवा ला यहसुल इल्म बिही इल्ला लिल आलिम अल मुतबहिर फिल इल्म अल हदीस वहादिल अनवा ला यहसुल इल्म बिही इल्ला लिल आलिम अल मुतबहिर और इन अनवा के ताल्लुक से अगर किसी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो कौन आलिम होगा इल्ला लिल आलिम अल मुतबहिर वो एक इल्म का समंदर होगा कैसा हो कौन आलिम होगा यानी इसके ताल्लुक से अगर किसी को कोई ऐसा कर सकता है तो वो कौन आलिम होगा वो आलिम इल्म का समंदर होगा फिर इल्म अल हदीस अल आरिफ बि अहवाल अल रुवात वल अलल किस चीज के ताल्लुक से इल्म का समंदर होगा हदीस के ताल्लुक से रुवात के अहवाल के ताल्लुक से और हदीसों के अलल के ताल्लुक से तो ये तीन अनवा है जिनको क्या कहता है जो किसके अनवा है वो खबर अहाद जो मुहतबिल कराइन होती है और जब कोई हदीस मुहतबिल कराइन होती है तो क्या होती है इल्मे यकीनी नजरी का फायदा नहीं ना दे करके बल्कि इसका फायदा देता है इल्मे जरूरी का फायदा देता है क्योंकि उस हदीस के बारे में या वो हदीस अब इस चीज की डिमांड कर रही है कि मेरे ताल्लुक से आपका रवैया बदलना चाहिए मैं अपने अंदर बहुत सारी दीगर खसूसियात को समेटी हुई हूँ जिसकी वजह से आप मुझे क्या करें फौरन कबूल करें फौरन क्या करें कबूल करें तो ये थी खबरुल वाहिद अल मुहतबिल कराइन उसके बाद इंशाल्लाह आगे का दर्स कल पढ़ेंगे वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।